हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आपको, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, किसी चालक की लंबाई में वृद्धि किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रतिरोध बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा इसके बारे में मैंने आपको डेली जीके टेस्ट में बताया है डिटेल में फॉर्मूले के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी दोस्तों जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में दोस्तों भारत सरकार द्वारा माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसकी घोषणा जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने किया है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर से यानी कि कल से इसे शुरू करने की घोषणा की है इस कार्यक्रम को। ये कार्यक्रम दोस्तों शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तर्ज पर ही आयोजित किए जाएंगे। अब इसके लिए तीन मेन उद्देश्य हैं भारत सरकार के, कौन कौन से। एक तो पहला है कस्बों में सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कस्बों तक गाँव तक आसानी से सार्वजनिक पहुँच प्रदान की जा सके, लोग आसानी से वहाँ पर पहुंच सके, ठीक है। दूसरा, ये जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके, वहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, ठीक है, लोगों में भरोसा दिलाया जा सके। और तीसरा ये कि दरवाजे पर सेवा प्रदान करना, यानी डोर स्टेप डिलीवरी। तो अब जनता तक योजनाएं जो होंगी, परियोजनाएं जो होंगी, उनको लाभ पहुंचाया जा सकेगा, डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, शिकायतें सुनी जाएंगी, पेंशन स्कॉलरशिप और भी जो भी चीज़ें होंगी उन सभी सेवाओं को माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत ही प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। अब आया है दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं पिछले दिनों में, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन आया था, सखी नाम का वन स्टॉप सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा हुई थी। सखी नाम का वन स्टॉप सर्विस सेंटर खोला जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर बैंक के जो CMD हैं आर के चिब्बर का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में ही दोस्तों नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया था, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में COVID-19 के राहत बचाव के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत ने किस देश को INS सिंधु वीर पनडुब्बी दिया। तो भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों म्यांमार को INS सिंधु वीर पनडुब्बी देने का फैसला लिया है, देने की घोषणा की है। INS सिंधु वीर दोस्तों भारत की पनडुब्बी है और ये अब म्यांमार को दी जाएगी, और ये म्यांमार नौसेना में जब शामिल हो जाएगी तो म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी बन जाएगी, ठीक है। म्यांमार के पास अभी कोई पनडुब्बी नहीं है, तो म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी INS सिंधु वीर, जो कि किसके द्वारा दिया जा रहा है, भारत के द्वारा। इससे क्या होगा, इससे भारत और म्यांमार के बीच में दोस्तों रक्षा सहयोग बढ़ेगा, साथ ही साथ दोनों के रिश्ते भी और मजबूत होंगे। तो जो उधर से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, इधर से भारत अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करके अपनी भी दावेदारी मजबूत करेगा और चाइना को भी जवाब मिल जाएगा। अभी दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कुछ ही दिन पहले म्यांमार यात्रा पर गए हुए थे, तो वहाँ से वापस आए हैं। जस्ट उसके बाद ही INS सिंधु वीर को सौंपा गया म्यांमार को। क्लियर। म्यांमार आया है तो म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार ये रहा भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए भारत का पड़ोसी देश ये है म्यांमार। इसका पुराना नाम है दोस्तों बर्मा, ये भी पूछा जाता है। नेपिदा यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है क्यात या बुर्मिस क्यात भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। यू विन मिंट हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, राजभाषा बर्मी है, सबसे बड़ा नगर है यांगून, संसद का नाम है पिथू हलत्तो। क्लियर है बिल्कुल। दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा भारत के पड़ोसी देश मिश्रा जी टेक्निकल नाम से, या फिर आप लोग सिंपली MZT ऐप पर जाकर के वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। तो पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की घोषणा की है। पंजाब सिविल सर्विसेज से लेकर के, पंजाब सिविल सर्विसेज में सीधी भर्ती के साथ साथ
वहाँ के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की सभी भर्तियाँ जो होंगी उनमें 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, वीमेंस को, ठीक है। तो 33% रिजर्वेशन का प्रावधान है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। पंजाब आया है, पंजाब के बारे में भी जान लेते हैं। पंजाब देख लीजिए मैप में, ये रहा पंजाब। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर जी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, यहाँ के हाईकोर्ट का नाम है, और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा जी यहाँ के चीफ जस्टिस। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? पंजाब अपना बॉर्डर दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से शेयर करता है। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कपिला कलाम कार्यक्रम क्या है? तो कपिला कलाम कार्यक्रम के तहत दोस्तों बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाने के लिए ही ये शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्यों शुरू किया गया? क्योंकि दोस्तों 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती होती है। तो इस बार इनकी 89वीं जयंती थी, 89th एनिवर्सरी थी अब्दुल कलाम जी की। तो उन्हीं की जयंती के अवसर पर कपिला कलाम कार्यक्रम का ये शुभारंभ किया गया है, ओके। अच्छा, अब देखिए ये 15 अक्टूबर को ये कार्यक्रम शुरू किया गया, साथ ही साथ में 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक यानी इस पूरे वीक में बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, इस पूरे वीक को, ओके। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसकी घोषणा की है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया दोस्तों विशाल वी शर्मा को। किसे? विशाल वी शर्मा को। इन्हें यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर? जावेद अशरफ जी की जगह पर। ये जावेद अशरफ जी की जगह पर आए हैं यूनेस्को में, ये होंगे भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म दोस्तों होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष वर्तमान में आंद्रे अजोले। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक बुक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में शशि थरूर जी ने लिखी है ये पुस्तक, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। शशि थरूर दोस्तों एक फेमस राइटर हैं और पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। अगला, GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने रुपये उधार लिए? तो दोस्तों GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने 1.1 लाख करोड़ का उधार लिया है। कितने का? 1.1 लाख करोड़ का उधार लिया है। ये उधार दोस्तों स्पेशल विंडो के तहत लिया जाएगा। अब ये जो GST मुआवजे के बदले में राशि उधार ली जा रही है 1.1 लाख करोड़ की, इससे राज्यों को बैक टू बैक लोन के रूप में पारित किया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये राज्यों को बैक टू बैक लोन के रूप में पारित किया जाएगा, स्पेशल विंडो के तहत उधार लिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा GST मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए। क्लियर, अब आया है GST। तो हम लोग GST से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। भारत में दोस्तों ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से आधी रात से ये पूरे भारत में लागू किया गया, ठीक है। पहला देश कौन सा था GST लागू करने वाला? पहला देश है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले GST अपने देश में लागू किया था। भारत का जो GST है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है भारत का GST, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट पूछा जाता है, GST किसकी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? दोस्तों याद रखिएगा, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया GST, ठीक है, विजय केलकर समिति। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि विजय केलकर समिति का संबंध किससे है?
तो याद रखिएगा जीएसटी लागू कराने के संबंध में है। क्लियर। जीएसटी से रिलेटेड और अगर आप पॉइंट जानना चाहते हैं, और ज़्यादा पॉइंट जानना चाहते हैं, जैसे पहला राज्य बना असम, ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला, तो और अधिक अगर पॉइंट जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो दी हुई है। तो इसके लिए आपको एमजेटी ऐप में जाकर के जीएसटी बोल देना है वॉइस सर्च में, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो, इसकी क्विज भी प्रोवाइड की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर माइकल ईरानी। कौन? डॉक्टर माइकल ईरानी। ये आए हैं तामस अजान की जगह पर। तामस अजान जी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया और इसके बाद डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। अंतरिम अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि अंतरिम अध्यक्ष परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्प्रोरी ही होता है। जैसे ही कोई अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तब इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। जब तक कोई अध्यक्ष नहीं होता है तब तक ये अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए रख दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। तो अभी ये अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एक्चुअली में दोस्तों, ये IWF के वर्तमान में चिकित्सा समिति के अध्यक्ष थे, IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष थे, तो इन्हीं को दे दिया गया चार्ज अंतरिम अध्यक्ष का भी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तामस अजान ने। क्लियर। अब आया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई 1905 में, 1905 में इसकी स्थापना हुई, बुडापेस्ट में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके अंतरिम अध्यक्ष अब बना दिए गए डॉक्टर माइकल ईरानी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों, साई इवरा को, किसे? साई इवरा को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साई इवरा कौन है? ये दोस्तों एक मैथमेटिशियन है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ऑफ USA यानी अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ में हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के जो इसराइल में है उसके प्रोफेसर हैं मैथ के, ठीक है। तो इनको इस बार शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दोस्तों 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को, किसको? जो गणितज्ञ 32 वर्ष से कम उम्र के होते हैं तो गणित के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है। गर्व की बात तो दोस्तों ये होनी चाहिए हम लोगों की कि ये जो पुरस्कार जिस व्यक्ति के, जिस महान गणितज्ञ के नाम पर दिया जाता है वो भारतीय था, ठीक है, रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार का अवार्ड साई इवरा को दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है दुनिया भर में, खास करके विकासशील देशों में, गरीबी मिटाने में लोगों की मदद के लिए, ठीक है, गरीबी में मिटाने के लिए, लोगों को आगे आने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे वो आगे आ सकें और गरीबी मिटाने में वो मदद कर सकें, तो इसलिए ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। थीम थोड़ा लंबी है, इस वजह से ये पूछा नहीं जाना है। बात आती है कि कब से मनाए जाने की घोषणा हुई। तो इसकी घोषणा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को हुई। 1992 में 22 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के द्वारा इसकी घोषणा की गई। क्लियर है बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को NSG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को दोस्तों NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थापना हुई थी दोस्तों 16 अक्टूबर के ही दिन 1984 में, 1984 में हुई थी इसकी स्थापना। ये CAPF, भारत का जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसकी एक स्पेशल फोर्स ये भी है, उसी का ही एक हिस्सा है। मैंने आपको बताया है CAPF में 7 प्रकार की फोर्सेज होती हैं, उसी में से एक फोर्स है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं करेंट टाइम पर अनूप कुमार सिंह। कौन है? अनूप कुमार सिंह। इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। दोस्तों 26/11 जो हमला हुआ था मुंबई में, इसमें ऑपरेशन में, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में NSG की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अभी मैंने बात किया CAPF के बारे में। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स,
इसमें 7 प्रकार की फोर्सेज होती हैं और इन सभी फोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी के लिए वीडियो आपको दी गई है। इस पर भी वीडियो आप लोग सर्च कर सकते हैं। आप लोग को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के नाम से सर्च करना है, MZT ऐप में जा करके मिल जाएगी वीडियो आसानी से। तो बस दोस्तों, ये तो था हमारा आज का दिन का करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अब आपको इमेज फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली करंट अफेयर के इन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को वन लाइनर के रूप में एक ही सिंगल इमेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका स्टोरेज भी ज़्यादा लॉस ना हो, ज़्यादा यूज़ ना हो और साथ ही साथ आपको शेयर करने में भी आसानी हो। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। मिश्रा जी टेक्निकल MZT एजुकेशन के नाम से सर्च करेंगे, 22,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, किसी अदर ग्रुप को आपको ज्वाइन नहीं करना है। साथ ही में दोस्तों, डेली GK टेस्ट भी आता है के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, दोनों भाषाओं में। अभी तक जितने भी सेट आए हुए हैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक बना करके मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस प्लेलिस्ट को जाइए, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर डे की। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। तो ये आपको बताना है। कल मैंने आपको मैप में जब वर्ल्ड मैप बताया था तो थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ था। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से MZT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करने से दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता लग पाता है कि जितना क्वेश्चन आपने पढ़ा है आज वो आपके सभी करेक्ट हो चुके हैं या नहीं, तैयार हुए हैं या नहीं। इस वजह से आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया करो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मनु पांडे, अमृत कुमार, श्याम शेर कुमार, रेखा बुनकर, रविशंकर, सृष्टि मिश्रा, राहुल कुमार, आंचल मिश्रा, सत्येंद्र प्रताप, राहुल यादव, निखिल मद्देसिया, ज्योति मौर्य, अमित चौधरी, जग्गी जोशन, निरंजन शाह। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।